गाइस, वेलकम टू कार स्कूल। और आज हम आपको सिखाएंगे कार की विंडशील्ड पे वैक्स पॉलिश कैसे लगाते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और अगर आप पुरानी वाली ओल्टो K10 का रिव्यू चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, हम ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, फॉर्मूला 1 का कार वैक्स पॉलिश। ये मैंने 300 की ली थी, 230 ग्राम आती है ये। और आप कोई और चाहें तो कोई और यूज़ कर सकते हैं, बाकी मेरे को सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यही लगा। इसके साथ हमें फॉर्म मिलता है और ये है इसके अंदर पॉलिश। इसको खुला ना छोड़ेंगे अभी भी, क्योंकि ये सूख जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हमें जो फॉर्म है उस पर इस तरीके से पॉलिश लगानी है, पहले ऐसे लगा के, और हमेशा विंडशील्ड पे रोटेशन मोशन में लगानी है पॉलिश। और ये पॉलिश लगाने से पहले विंडशील्ड को गीले कपड़े से साफ जरूर कर लें और सूखने के बाद लगाएं पॉलिश। तो इसके बेनिफिट्स बताते हैं हम आपको, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। इसका बेनिफिट्स ये है कि जब आप रेनी सीजन में कार चलाएंगे तो जो पानी विंडशील्ड पे चिपक जाता है और वाइपर से भी जल्दी साफ़ नहीं होता है, इसकी वजह से वो पानी विंडशील्ड पे चिपकता नहीं है और काफ़ी इजीली साफ़ हो जाता है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है रेनी सीज़न में। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि कार के विंडशील्ड पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, न्यू स्क्रैचेस नहीं लगते। नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है फिर पेपर से साफ़ करनी आपको अगर पॉलिश लगा दिया आपने। और जो पुराने स्क्रैचेस हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिश लगानी है आपको रोटेशन मोशन में, और पूरी विंडशील्ड पे लगाएं, कहीं पे जगह ना छोड़ें। मैं इसको पिछले 7-8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला है इसका रेनी सीज़न में। और बाकी जब आप अपनी कार पे लगाएंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस महसूस होगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि आपको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ या नहीं हुआ। और ये पॉलिश लग गई है विंडशील्ड पे, और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा पॉलिश का। तो अब 5 मिनट हो गए हैं इसे, ये देखिए वाइट पड़ गई है ये पॉलिश। और ऐसे उंगली से चेक कर सकते हैं आप इसे कि ये सूखी है या नहीं सूखी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये सूख चुकी है। अब हम हल्का सा वेट कपड़ा ले गए, कॉटन का कपड़ा लेना हमें, और इसको साफ़ करेंगे लाइट हैंड से, ज़्यादा हैवी हैंड यूज़ ना करें, और कुछ इस तरीके से क्लीन करेंगे। सो गाइज, दिस इज़ द डिफरेंस। हमने इस साइड पॉलिश लगाई है और इस साइड नहीं लगाई है। सो गाइज, ये साफ हो चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं हमें वीडियो आपको कैसा लगा।